जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फुटपंडा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आप लोगों के लिए उड़ीसा की फेमस रेसिपी छेना पोड़ा लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम लोग छेना पोड़ा बनाने की विधि की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। मैंने 1/2 kg फुल क्रीम दूध लिया था। आप चाहे तो गाय या भैंस का भी दूध ले सकते हैं। अच्छी तरह बॉइल कर लेंगे दूध को। जब दूध पूरे बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा तब हम दूध को थोड़ा सा विनेगर डाल के फाड़ेंगे। चूँकि मेरे पास लेमन नहीं थे इसलिए मैंने विनेगर से फाड़ा है। अगर आपके पास फ्रेश लेमन हो तो आप उसी के रस से इस दूध को फाड़ लीजिए, उसका छेना बना लीजिए फाड़ के। मैंने शुरू में कम विनेगर डाले लेकिन मेरी दूध इससे फटी नहीं। बाद में जब मैंने 2-3 चम्मच डाले तो फिर मेरी दूध फटी। तो अगर आप विनेगर से भी फाड़ रहे हैं तो लगभग 1/4 कप लग जाता है। शुरू में मैंने 1/2 टीस्पून डाले थे, मुझे लग रहा था कि 1/2 टीस्पून से फट जाएगा। ये उड़ीसा की बहुत ही फेमस रेसिपी है दोस्तों। सच पूछिए तो ये उड़ीसा की सिग्नेचर डिश है। उड़ीसा में लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। छेना पोड़ों का मतलब हुआ एक तरह से छेना का केक। पोड़ा का मतलब होता है कुक पकाना या उसे रोस्ट करना। तो एक तरह से इसे छेना को रोस्ट करके बनाया जाता है इसलिए इसका नाम छेना पोड़ा पड़ा। मैंने तो इसे OTG में बनाया है। बहुत से लोग इसे माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड में भी बनाते हैं लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में इसे चारों तरफ से बंद करके इसे आग के बीच में रख के एक तरह से रोस्ट किया जाता है। पत्तों के बीच में रख के उससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर के नीचे थोड़ा सा नमक डाल के उसके ऊपर स्टैंड रख दें और गरम कुकर में किसी भी अल्मीनियम के बर्तन में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इस मिश्रण को डाल दीजिएगा और बहुत ही अच्छे छेना पोड़ा उसमें भी बन जाते हैं। देखिए अब मेरे छेना पूरी तरह से फट चुके हैं और जब दूध अच्छी तरह से फट जाए तो फिर उसे बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना चाहिए, उसे तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। अन्यथा जो छेना बनता है वो थोड़ा चुई हो जाता है, चिमड़ा हो जाता है, उसे चुई करना पड़ता है। इसीलिए उसे तुरंत ही हम एक छन्नी में डाल कर और उसे साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लेंगे जिससे कि उसमें जितनी भी विनेगर की खट्टापन हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। पूरी तरह ठंडा पानी में उसे नल के नीचे रख के धोना है। सॉरी मैं उसका क्लिप मैंने लिया था लेकिन मैं इसमें डाल नहीं पाई।
देखिए मेरे छेना को मैंने अच्छी तरह धो लिया था, अभी भी गर्म है। उसे मैंने एक बाउल में डाल दिया है और साथ ही मैंने एक अपने कांच के बाउल को लिया है, इसी में मैं बेक करूँगी। छेना के पानी को पूरा मत फेंकिएगा, वैसे भी छेना की पानी बहुत ही उपयोगी होती है, लेकिन हमें छेना के पानी को रखना है, क्योंकि हो सकता है जब हम मिक्स कर रहे हो सारे चीज़ों को तो हमें छेना के पानी की और आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए कप में मैंने रख दिया थोड़ा सा छेना के पानी को। वैसे इस पानी से आप आटा भी गूंथ सकते हैं या सब्जियों में भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। या रात भर के लिए अगर रख दे तो थोड़ी खट्टी हो जाती है, तो इससे कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून सूजी डाला है और मैंने लगभग 4 टेबलस्पून इसमें मैंने भर के चीनी डाला है। थोड़ा सा मैं 1 टेबलस्पून भर के इसमें घी डालूंगी, क्योंकि घी से छेना पोड़ा का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें मैंने 1.5-2 चम्मच लगभग मिल्क पाउडर भी डाला था, वो ऑप्शनल है। अगर आपके दूध फुल क्रीम के हैं और बहुत ही अच्छे थिक क्रीमी हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डाल देने से थोड़ा क्रीमी टेक्सचर ज़्यादा आता है। देखिए मैंने प्योर घी को जिस बर्तन में हमें बेक करना है उसमें भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। शादी 1 टेबलस्पून भर के मैंने अपने छेना वाले बाउल में भी डाला है और इसे हम हाथ से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। सॉरी, देखिए अभी गर्म है इसलिए थोड़ा सावधानी से हम इसे तब तक अच्छी तरह से मिला देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट तक सूजी जब तक फूलती नहीं है तब तक हम इसे छोड़ देंगे। मैंने अच्छी तरह से सबों को मिलाकर सूजी के फूलने तक छोड़ दिया है। जब तक मैं इसे 15 से 20 मिनट तक का रेस्ट टाइम दूंगी, उतने देर में मैं ड्राई फ्रूट्स काट लूंगी। इसमें आप चाहें तो किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने केवल कैश्यू नट डाला है। देखिए 15 से 20 मिनट तक लगभग हो चुके थे। मैंने थोड़ा सा कैश्यू नट ले आई हूँ मैं थोड़ा सा, और मैं इसमें छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें पिस्ता और बादाम भी डाल सकते हैं।
मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को काट लिया। अब मैं फिर से इसे अच्छी तरह फेंट लूँगी। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। आप चाहें तो अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बस मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अब एक बार हम लोग फिर से इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मुझे थोड़ा, मैंने इसमें इलायची भी कूट कर डाल दिया था क्योंकि इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इलायची के कवर को मत डालिएगा, केवल उसके भीतर के। मैंने छिलका को फेंका नहीं, उसे चाय के बर्तन में डाल दिया है। उससे बहुत ही अच्छा चाय का भी फ्लेवर आ जाता है। इसलिए कभी भी छोटी इलायची के ऊपर के कवर को मत फेंकिएगा, उसे चाय के डब्बे में रख दीजिए। मुझे थोड़ी पानी कम लग रही है, ड्राई लग रहे हैं मेरे मिश्रण, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से और छेना के पानी को डाला है। और अब मैं इसे अपने बेकिंग ट्रे में डाल दूँगी। मैंने बेकिंग ट्रे में अपने सारे छेना पोड़ा के मिश्रण को डाल दिया है बेक करने के लिए। साथ ही मैंने ओवन को लगभग 5 से 7 मिनट तक प्रीहीट किया था। मैंने इस छेना पोड़ा को लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट तक के लिए रखा था। 20 मिनट में इसमें अच्छा सा क्रस्ट आ गया था। अगर मैं चाहती तो 5 से 7 मिनट और छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने इसे निकाल दिया था। तो इसे, और मैंने दोनों ऊपर नीचे दोनों रॉड ही ऑन किए थे बोथ। तो 25 मिनट तक 200 डिग्री पर ऊपर नीचे बोथ, वैसे आप देख लीजिएगा क्योंकि हर ओटीजी का लेवल अपना अलग होता है। जब ओवन प्रीहीट हो जाएगा तो मैं उसमें डाल दूंगी। मैं फिर से बतला दे रही हूँ, मैंने लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए रखा था और ऊपर नीचे दोनों ही हीटर ऑन किए थे बोथ। देखिए 25 मिनट के बाद मेरे छेना पोड़ा बिल्कुल रेडी हो गए। देखिए साइड से कितना अच्छा इसमें क्रस्ट आया है। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो मैं इसे काट के दिखलाऊंगी आप लोगों को। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बने थे। देखिए मैंने छेना पोड़ा को काट के भी दिखलाया है। प्लीज़ दोस्तों इसे ज़रूर बनाइए, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार फिर से आपको दिखला दे रही, इनमें बहुत ही मॉइस्ट था, बहुत ही टेस्टी थे। आप लोग छेना पोड़ा का आनंद लीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। टिल देन, बाय बाय दोस्तों।